हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये 9वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है, देखिए, रेखा स्पेक्ट्रम हम किसको बोल रहे थे और सतत स्पेक्ट्रम किसको बोल रहे थे, आपको पता है। सतत स्पेक्ट्रम हम कहते हैं श्वेत प्रकाश को, क्योंकि उसमें विबग्योर के सारे रंग वाले प्रकाश उपस्थित थे, 400 से 700 नैनोमीटर वाले। ठीक है, लेकिन रेखा स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं जिसमें प्रकाश के किसी एक रंग के ही तरंग दैर्ध्य उपस्थित होते हैं, जैसे पीला रहेगा या लाल रहेगा या हरा रहेगा, उसको रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो किसी भी तत्व से जो जो प्रकाश निकलता है, कब निकलता है, हमने पिछले क्लास में इसके बारे में काफी गहन अध्ययन किया है। तो जब हम किसी पदार्थ के किसी तत्व के वाष्प को गर्म करते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं, तो एक समय बाद वो गर्म होके कुछ ऊर्जा की किरणें, कुछ विकिरण उत्पन्न करने लगता है, और वो विकिरण किसी एक रंग का ही होता है। जैसे सोडियम को हमने गर्म किया था तो पीला रंग निकला था, ऐसा। इसको हम रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को आप ऐसा करते हो, हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हो एक ट्यूब में लेकर के, जिसको अपन निर्वात ट्यूब कहते हैं या विकिरण ट्यूब कहते हैं, मतलब पिक्चर ट्यूब कहते हैं, उसमें लेके गर्म करते हो, तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम निकलते हैं उसको हमने पिछले क्लास में लाइमन, बामर, पास्टर, ब्रिकेट, फंड, ये सब श्रेणियों में पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपने निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं ऊर्जा लेकर के, फिर वापस निम्न कक्षा में आ जाते हैं, तो उस दौरान वो अपनी ऊर्जा को रिलीज कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे उससे कोई विकिरण उत्सर्जन होता है। ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप हमको कोई एक रेखा स्पेक्ट्रम वहां पर मिल जाता है। तो उसको हमने अल्ट्रावायलेट, है ना, दृश्य प्रकाश, है ना, अवरक्त किरणें, इन सब रूपों में देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो उसी को हम आगे यहां पर कुछ व्याख्या करने वाले हैं। और बोर के मॉडल का उपयोग करके खंड 2.33 में बताए गए हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या मात्रात्मक रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो हमने ये देखा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये पंखे को थोड़ा कम कर देता हूं, आवाज ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, एसी नहीं लगवाया हूं एक्चुअली, मैं मुझे सूट नहीं करता, थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोर के मॉडल का उपयोग करके बताए गए हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या मात्रात्मक रूप में की जा सकती है। तो आपने पिछले क्लास में इन्हीं सब चीजों को देखा है कि हाइड्रोजन परमाणु को गर्म करने पर उनमें से किस तरह के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। बोर के अभिगृहित 2 के अनुसार निम्न से उच्च मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा में गमन करने पर विकिरण का अवशोषण होता है, जबकि विकिरण का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के उच्च से निम्न कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉन के गमन करने पर होता है। यह तो आपने पिछले कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, निम्न से उच्च कक्षा में जाएंगे, फिर उत्सर्जन करेंगे तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसी से वो विकिरण उत्सर्जित होता है। दो कक्षाओं के बीच के ऊर्जा के अंतर को इस समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, है ना। ये समीकरण हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है ना, कि ई फाइनल, ये एफ लिखा है ना फाइनल, और ई आई, आई फ्रॉम इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था, एफ मतलब फाइनल यानी अंतिम अवस्था। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में था, फिर वो उच्च कक्षक में चौथे कक्षक में पहुंच गया, तो जो चौथा कक्षक है वो ई एफ कहलाएगा, वो एफ कहलाएगा फाइनल कक्षक, उसकी ऊर्जा ई एफ, और जो पहली कक्षक थी जिसमें इलेक्ट्रॉन थी वो इनिशियल कक्षक कहलाएगी, प्रारंभिक कक्षक कहलाएगी, और उसकी ऊर्जा है। तो चौथे कक्षक में मान लो गया तो वो ई एफ है उसकी ऊर्जा, और पहले कक्षक से गया है तो ई आई है यानी उसकी ऊर्जा, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2.13 और 2.16 को जोड़ने पर देखिए, ये जो समीकरण है हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। तो यहां पर आप देखिए, इसकी ऊर्जा को हमने यहां पर लिखा और इसकी ऊर्जा को यहां पर लिखा, ऊर्जा का ये समीकरण था, उसी समीकरण को हमने पिछले कक्षा में देखा है ना। तो फाइनल की ऊर्जा है RH डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर माइनस माइनस RH। देखिए ये माइनस में क्यों होते हैं दोनों ऊर्जाएं, ये भी मैंने आपको बताया है
कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु की कक्षाओं को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है और वो शून्य होती है, लेकिन जब वो किसी परमाणु की किसी कक्षक में रहता है तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर चुका है तो शून्य से नीचे चला गया है ऊर्जा, तो माइनस में देखा जाता है, तो सभी ऊर्जाएं माइनस में है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर के कक्षक में जाएंगे वैसे वैसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते जाएंगे और उनका मान अधिक ऋणात्मक होता जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहला कक्षक है उसकी मान अधिक ऋणात्मक है और जो ऊपर के कक्षक हैं उनकी कम ऋणात्मक है। तो जो ऊर्जा का मान है, देखिए जैसे मान लो ये नाभिक है, इसमें पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक है, ठीक है। तो मान लो यहां पर ऊर्जा माइनस चार है और यहां पर ऊर्जा माइनस दो है, तो कौन ऊर्जा ज्यादा हुआ? ये माइनस दो वाला ऊर्जा ज्यादा हुआ, माइनस चार वाली ऊर्जा कम हुई। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दो, दो का डिफरेंस है, दो ऊर्जा ज्यादा है उसमें, ऐसा ऐसा हम कह रहे हैं यहां पर। समझ पाए आप बात को? और ऊर्जा को निकालने के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ इसके जो कक्षक का मान है उसको हम डिवाइड करते हैं स्क्वायर के साथ। तो अब देखिए कि रिडबर्ग कांस्टेंट का मान हम कितना लिख रहे थे, 2.18 गुणित 10^-18 जूल, इसके मान को आप रख दीजिए इस समीकरण में, ठीक है। देखिए इस समीकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाया है इसने, इस समीकरण में क्या किया है इसने, ये RH को बाहर लिख दिया है, RH को बाहर लिख दिया है, तो 1/N और 1/N ऐसा आप लिख सकते हो, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब चूंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो NI को पहले लिखा है, यहां पर जरा विशेष परिवर्तन को ध्यान देंगे, यहां पर माइनस RH/NF है, ध्यान दीजिए, माइनस माइनस दो बार माइनस हुआ, ठीक है, और दो बार माइनस हुआ, एक मिनट, दो बार माइनस हुआ इसलिए ये प्लस हो गया, तो NI जो है ये प्लस वाला हो गया, इसलिए इसको पहले लिखा, देखिए है ना, और उससे माइनस करके इसको लिखा NF को, तो ये बाद में आ गया, ये पहले आ गया प्लस होकर के, है ना, और RH को बाहर में रख दिया इसलिए ये 1/ हो गया, 1/ दोनों में 1/ करेंगे RH को बाहर लिख करके, तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें RH का मान रिडबर्ग कांस्टेंट को रख दिया है ना, अब NI और NF का मान यहां पर रखेंगे अपन, ठीक है। तो इस समीकरण का उपयोग करके फोटोन के अवशोषण तथा उत्सर्जन से संबंधित आवृत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक्चुअली ये अभी समीकरण 2.17 है, अब समीकरण 2.18 थोड़ा आगे और हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमको तरंग की आवृत्ति का पता चलेगा, है ना। तो आवृत्ति निकालने के लिए आप क्या करते हो, ∇E/H करते हो। तो आपने जो फार्मूला निकाला है उसमें एच का आप भाग कर दोगे तो आवृत्ति निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि आवृत्ति, ऊर्जा, तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से संबंधित है। E=hν आपने पढ़ा था ना, E=hν ऐसा पढ़ा था आपने, तो E/ν कर देंगे या E/h कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही किया है यहां पर, देखिए तो डिवाइडेड बाय एच करना है अपने को, तो इतना तो हम पहले लिख चुके थे, एच का मान 6.626×10⁻¹⁴ ये लिख दिया। अब नीचे में -34 है, ऊपर जाएगा तो +34 हो जाएगा, और 34 में से 18 को घटाएंगे और इनको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3.29×10⁵, अब प्लस में हो गया क्योंकि 34 माइनस जो है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, ऐसा है। और ये है, ठीक है, तो हमको यहां पर आवृत्ति मिल रही है। आवृत्ति को निकालने के लिए आप इन फार्मूले को 2.18, 2.19 इनका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन तरंग संख्या कैसे निकालते हैं पता है आपको? तरंग संख्या निकालने के लिए आवृत्ति में प्रकाश के वेग को भाग देना पड़ेगा, ठीक है, आवृत्ति में प्रकाश के वेग का भाग देना पड़ेगा। तो जो आपने अभी कैलकुलेट किया है उसी में प्रकाश के वेग को भाग कर दो। ये देखिए इतना आपने निकाल लिया है आवृत्ति, तो प्रकाश के वेग का भाग कर दो। अब यहां पर देखिए कि नीचे में +8 है तो ऊपर जाके -8 हो जाएगा,
तो 8 में 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और इनको कैलकुलेट कर लो आप, तो इनको कैलकुलेट करने से 1.09677 10 टू पावर 7 एक बटा एन आई स्क्वायर एन एफ स्क्वायर माइनस ऐसा हो जाएगा पर मीटर। इसके आप जो यूनिट है, क्योंकि तरंग संख्या है, तरंग संख्या का मतलब यहां पर एक मीटर की दूरी में कितनी तरंग गुजर रही है, ये तरंग संख्या हुई। एक मीटर ले सकते हो, एक सेंटीमीटर ले सकते हो, उसमें तरंग की कितनी संख्या है ये भी आप निकाल सकते हो। तो फाइनल हमारे पास एक तो ये वाला फार्मूला हुआ, ठीक है, जो हमको आवृत्ति निकाल के देता है, और दूसरा ये वाला फार्मूला हुआ जो हमको तरंग संख्या निकाल के देता है। तो इन दोनों फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल से किस कक्षक से किस कक्षक में जा रहा है। पहले वाला जो कक्षक है, नीचे वाला जो कक्षक होता है उसको आई कहते हैं, बाद वाले कक्षक को, ऊपर वाले कक्षक को एफ कहेंगे, ठीक है, फाइनल और इनिशियल ऐसा है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में एन एफ फाइनल बड़ा है एन एफ आई, मतलब यह है कि जब कोई अवशोषण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो निचली कक्षक से ऊपरी कक्षक में जाएगा, ठीक है। तो ऊपरी कक्षक यानी फाइनल कक्षक ज्यादा बड़ा रहेगा, ऊपर के कक्षक में गया, ठीक है। लेकिन जब उत्सर्जन करेगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, विकिरण का उत्सर्जन करेगा, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो पहले वाली कक्षक जो है ऊपरी कक्षक रहेगी, बाद वाली कक्षक निचली कक्षक रहेगी। इसको जरा ठीक से समझ लीजिए, एन एफ और एन आई किसको किसको कहेंगे, एफ मतलब फाइनल यानी बाद वाला कक्षक, और एन आई इनिशियल मतलब पहले वाला कक्षक। तो ध्यान से समझिए, जैसे कि ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग कक्षकों में है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है और ऊर्जा का अवशोषण करके ये तीसरे कक्षक में पहुंच गया, ठीक है। तो इनिशियल कक्षक हुआ पहला, एन आई पहला हुआ, शुरू में एन आई पहला हुआ, पहले कक्षक में शुरू में था, है ना। पहला कक्षक क्या था, एक नंबर, और बाद में किस कक्षक में पहुंचा, तीन नंबर में पहुंचा। तो यहां पर एन आई पहला कक्षक है, एन एफ तीसरा कक्षक है, शुरू में पहले कक्षक में था, बाद में तीसरे कक्षक में पहुंचा ऊर्जा अवशोषित करके। लेकिन अगर ये ऊर्जा विकिरित कर देगा, विकिरण कर देगा, तो ये मान लो पहले कक्षक में पहुंच गया बाद में, तो अब क्या हुआ, तीसरे से पहले में पहुंचा, यानी तीसरे से पहले में पहुंचा, तो अब एन आई और एन एफ उल्टे हो गए। समझे बात को, इन दोनों को आप समझ लीजिए कि पहले किस कक्षक में था वो एन आई होगा, बाद में किस कक्षक में पहुंचा वो एन एफ होगा। जैसे पहले ये एक नंबर में था, बाद में तीन नंबर में पहुंचा, तो एक और तीन हो गया। लेकिन पहले तीन नंबर में था, बाद में एक नंबर में पहुंचा, तो ये तीन और एक हो गया, मतलब दोनों कंडीशन में उलट जाता है एन आई और एन एफ का मान। तो इनको विशेष ध्यान देंगे उस फार्मूले में रखने से पहले, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि विकिरण करके ऊंचे से नीचे कक्षक में गया या अवशोषण करके नीचे से ऊंचे कक्षक में गया, तो एन आई और एन एफ उल्टे उल्टे हो जाएंगे। पहले जिस कक्षक में था वो एन आई होगा, बाद में जिस कक्षक में पहुंचा वो एन एफ होगा। इसलिए वो उत्सर्जन करेगा कि अवशोषण करेगा उसका मान आपको मिलेगा, क्योंकि कितना ऊर्जा अवशोषण किया या कितना ऊर्जा उत्सर्जित किया, कौन सा विकिरण उत्सर्जित किया, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में चूंकि एन एफ बड़ा होता है, एन आई छोटा होता है, और कोष्टक में दी गई मात्राएं धनात्मक होती हैं, तथा ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरी ओर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एन आई बड़ा होता है, एन एफ छोटा होता है, तो डेल ई ऋणात्मक होगा तथा ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, ठीक है, मतलब उस परमाणु की ऊर्जा कम हो जाएगी, पहले ऊर्जा ज्यादा थी अब कम हो जाएगी, इसलिए ऋणात्मक हुआ, डेल ई कम हुआ ना, ऊर्जा ऋणात्मक हो गया। समीकरण 2.17 रिडबर्ग समीकरण 2.9 के जैसा है, जिसे उस समय पर उपलब्ध प्रायोगिक आंकड़ों द्वारा प्राप्त किया गया था, ठीक है। पहले हमने 2.9 वाला एक समीकरण पढ़ा था, लगभग वही समीकरण 2.17 में है, और पहले ही इस चीज को पढ़ लिया गया था, मतलब समझ लिया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा।
इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा एक विशेष संक्रमण के संगत होता है। मतलब क्या है कि जो रेखा स्पेक्ट्रम है वो केवल एक कलर से संबंधित है, जैसे पीला या लाल या हरा इस टाइप का रहेगा, ठीक है। कई हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रमी अध्ययन में कई संभव संक्रमण देखे जा सकते हैं और उनसे कई स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। भाई जब आप हाइड्रोजन के गैस को ऊर्जा दिया था तो उस गैस में तो बहुत सारे परमाणु थे ना, तो कोई परमाणु वायलेट रिलीज कर रहा है, कोई परमाणु रेड रिलीज कर रहा है, कोई इंडिगो रिलीज कर रहा है, कोई ब्लू रिलीज कर रहा है। भाई कोई जरूरी थोड़ी कि सभी परमाणु बराबर ऊर्जा अवशोषित करेंगे और बराबर ऊर्जा विकिरित करेंगे, कोई ज्यादा कर लिया कोई कम कर लिया। तो उनके द्वारा जो निकाली गई स्पेक्ट्रम है, रेखा स्पेक्ट्रम जो कलर है प्रकाश का, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये है किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि एक समान तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति वाले कितने फोटॉन अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। देखिए भाई, प्रकाश का जो रंग है वो तो निश्चित हो गया कि मान लो वो लाल रंग का निकला या हरे रंग का निकला या पीले रंग का निकला, लेकिन वो जो प्रकाश निकला वो कितना तेज है और कितना धीमा है, डिम लाइट है, ये किस बात पे निर्भर करेगा कि जो फोटॉन अवशोषित किया गया था या उत्सर्जित किया गया है उसमें फोटॉन की संख्या कितनी है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि तीव्रता तो फोटॉन पे निर्भर करती है कि फोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। जैसे लाइट है, कम और ज्यादा होता है ना लाइट, तो उसकी आवृत्ति तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती है, उसकी तीव्रता के साथ उसकी फोटॉन की संख्या बदलती है। फोटॉन अधिक होंगे तो ज्यादा तेज जलेगा लाइट, फोटॉन कम होंगे तो धीमा जलेगा, लेकिन आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक समान रहेगा, ठीक है। अब ये उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो एन आई हुआ 5 और एन एफ हुआ 2। अब उस फार्मूले में आप रख लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला तो ये था आपके पास, है ना, ये एन आई माइनस एन एफ, इसमें रख दीजिए तो ये ऊर्जा का मान आ गया आपको, ये ऊर्जा का मान आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो E इक्वल टू h न्यू होता है, पता है आपको, E का मान निकल गया तो इसका मान h से डिवाइड करोगे तो आवृत्ति का मान निकल जाएगा, देखना ऐसे ही आएगा, है ना। ये देखो, आवृत्ति का मान निकालने के लिए ऊर्जा का मान बटा ये, तो ऊर्जा का मान अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है, 4.58 × 10^19। ये आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा भाई ना, अब ये गणित तो मैं आपको यहां पर नहीं सिखाऊंगा, केमिस्ट्री बता रहा हूं तो, है ना। गणित तो आपको आता होगा थोड़ा बहुत, पहले इसको सॉल्व करिए, माइनस इसको सॉल्व करिए और फिर इसमें आप उसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने के लिए इसके साथ गुणा करना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा वो। और जो मान आया उसमें h का विभाजन कर दोगे तो आवृत्ति आ जाएगा, बहुत सरल है। देखिए h का मान इतना है, इसमें से इसको भाग करें तो -34 ऊपर जाके +34 हो गया, तो इसलिए ये धन में आ जाएगा, ये देखिए धन, ठीक है, ये आ गया धन में। और इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका मान आया इतना, ठीक है, 10^14। तो ये आ गया आवृत्ति, इतने आवृत्ति का तरंग निकलेगा। अब तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य क्या निकालते हैं, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो न्यू निकल गया, सी आपको पता है, लेमडा निकालना है तो सी बाई न्यू कर देंगे तो आपको लेमडा का मान निकल जाएगा। ये देखिए सी बाई न्यू किया आपने तो लेमडा का मान निकला, सी का मान इतना है, न्यू का मान आपने अभी निकाला है, इसको आप भाग कर दीजिए तो लेमडा का मान निकल गया, ठीक है, 434 नैनोमीटर। तो एक्चुअली ये 434 × 10^-9 आया उत्तर, ये जो उत्तर आया था ये 10^-9 आया था, आप करिए ना इसको, ये 14 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -14 इसमें से घटा दीजिए और फिर इनको कैलकुलेट करिए तो इतना मान आएगा, पहले ये मीटर में आया, ठीक है।
और मीटर में 10 से घात माइनस 9 का मतलब होता है नैनोमीटर, इसलिए सीधा सीधा 434 नैनोमीटर लिख दिया है, एक स्टेप को छोड़ दिया उसने, आप कंफ्यूज हो जा रहे थे अभी, ठीक है। तो एक्चुअली 434 गुणित 10 के घात 9 आया, माइनस 9 आया, फिर उसको नैनोमीटर में लिखा है उसने। देखिए एनसीईआरटी के बारे में आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, बशर्ते कि आप उसको ठीक से समझ सके, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजों को वो शॉर्ट करने की कोशिश किया है, तो गागर में सागर भर दिया है, अब उसको पीना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पीने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने पूरा सागर पी लिया है, ऐसा लगेगा आपको। अब है नेक्स्ट उदाहरण, देखिए हीलियम धन आयन, मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है समझ लीजिए, क्योंकि पहले दो इलेक्ट्रॉन था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, ये मान है पहले कक्षक का मान है, पहले कक्षक में इतनी ऊर्जा होती है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो हीलियम में चूंकि एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो एन बराबर एक होगा, है ना। यहां पर एक जेड स्क्वायर भी ध्यान रखेंगे ना, और जेड मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो दो है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको ध्यान है ना, ये फार्मूला कि प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, उसमें इतना ऊर्जा होता है। अगर किसी और परमाणु की ऊर्जा निकालनी है किसी कक्षक की, तो इसके साथ उसकी परमाणु क्रमांक का गुणा करना पड़ेगा स्क्वायर का, और डिवाइड करना पड़ेगा उस कक्षक का, ऐसा करना पड़ेगा। तो कक्षक तो एक ही है लेकिन परमाणु क्रमांक दो है, तो दो दो ने चार, तो इसका आप चार से गुणा करेंगे तो इतना मान आएगा, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा उस कक्षक में है, ठीक है, जिस कक्षक में हीलियम का वो इलेक्ट्रॉन है। और त्रिज्या, तो त्रिज्या भी दिया गया है, हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो प्रथम इलेक्ट्रॉन वाला जो त्रिज्या है वो त्रिज्या इतना नैनोमीटर है, और किसी दूसरे की त्रिज्या निकालनी है तो उसके कक्षक का स्क्वायर बटा उसका परमाणु क्रमांक, तो इसका भी पहले ही कक्षक है परमाणु क्रमांक दो है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, देखिए इसका बटा दो तो त्रिज्या आधी हो गई। मतलब यह है कि हीलियम में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसकी ऊर्जा चार गुना कम हो गई, क्योंकि माइनस में है ना, चार गुना कम हो गई ऊर्जा, क्योंकि ज्यादा पास में आ गई वो इलेक्ट्रॉन, जितने पास आते जाएंगे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। तो कितने पास आ गए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जितना दूर है उससे आधे दूर में रह गया वो, तो उसकी ऊर्जा चार गुना कम हो गई, जितना पास में आएगा उतनी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक, बोर मॉडल की सीमाएं, बोर मॉडल क्या बता सकता है क्या नहीं बता सकता है, क्योंकि बोर मॉडल एकदम आधुनिक सिद्धांत तो नहीं है, क्वांटम थ्योरी पे एकदम फिट नहीं बैठता है, लेकिन काफी हद तक वो आपके परमाणु की संरचना को बताने में सक्षम है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ सीमाएं हैं जो चीज नहीं बता सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से काफी बेहतर था। रदरफोर्ड ने भी जो मॉडल दिया था उसमें बताया था कि एक छोटे से एरिया में नाभिक है और बड़ा सा एरिया खोखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन उनके घूमने उमने की जो दिशा है कैसा है क्या है वो चीज को नहीं बता पाया था, जिसको बोर ने बताया था। हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयनों, जैसे हीलियम एक धनावेश, लिथियम दो धनावेश, बेरिलियम तीन, ऐसा, तो इनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, पहले इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन थे, इसमें चार इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें से एक निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, तो बचे एक एक, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का रेखा स्पेक्ट्रम निकालने में आपको आसानी होगी बोर मॉडल से। एक्चुअली बोर मॉडल ना हाइड्रोजन के लिए तो बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में
आप कैलकुलेट करने लग जाते हो तो मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने तरीके से ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करेंगे, तो बोर मॉडल में वहां पर थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा परमाणु है, सॉरी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी को निकाल देते हो, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में आप देख सकते हैं, तो उसका व्यवहार भी करीब करीब हाइड्रोजन परमाणु जैसा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इन आयनों के रेखा स्पेक्ट्रम और स्थायित्व की व्याख्या कर सकता था, लेकिन बोर का मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है, क्या क्या नहीं कर सका। पहला, परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना द्विख यानी डबलेट अर्थात पास पास स्थित दो रेखाओं की व्याख्या करने में विफल रहा, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि हमने कहा कि मान लो पीला प्रकाश निकालता है, तो ठीक है पीला प्रकाश निकाला, लेकिन जब हम और स्पेक्ट्रोमीटर से उसका और गहन अध्ययन किए तो पता चला कि थोड़े थोड़े अंतर वाले तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश निकल रही है, ठीक है। तो जो थोड़े थोड़े अंतर वाली तरंग दैर्ध्य निकल रही है उनका क्या कारण है, यह बोर मॉडल नहीं बता पाया। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, क्योंकि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाते हैं तो बोर मॉडल उसको ठीक से नहीं समझा पाता है। उदाहरण के लिए हीलियम परमाणु जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन जीवन प्रभाव या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन स्टार्क प्रभाव को स्पष्ट करने में विफल रहा। यह क्या लिखा है पता है, जैसे कि मान लो ये कोई प्रकाश जा रहा है, ठीक है, रास्ते में अगर आप एक चुंबक लगा देते हो, ठीक है, धन आवेश ऋण आवेश वाला, तो ये जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं ये कई रेखाओं में ऐसे ऐसे बंट जाते हैं, ऐसे बंट जाते हैं, ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य और थोड़े थोड़े अंतर वाले तरंग दैर्ध्य और थोड़े थोड़े अंतर वाले आवृत्ति वाले तरंग दैर्ध्य होती है, ऐसा बंट जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह का बंटना जीवन प्रभाव कहलाता है, और चुंबक की जगह अपन अगर विद्युत धनावेश और ऋण आवेश लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इस तरह का बढ़ जाता है, इसको स्टार्क प्रभाव कहते हैं। जीमन और स्टार्क ने ये अलग अलग अध्ययन किया था, एक ने चुंबकीय क्षेत्र लगा के देखा तो बढ़ गया ये प्रकाश कई तरंग दैर्ध्यों में, और एक ने विद्युत आवेश लगा के देखा, इलेक्ट्रॉन लगा के देखा तो भी बढ़ गया। तो भाई इस तरह के आवेश लगाने से या चुंबक लगाने से जो चुंबक वाला जीमन प्रभाव, आवेश वाला विद्युत वाला स्टार्क प्रभाव, इसमें ये तरंग दैर्ध्य क्यों बटे, और बटे हैं तो थोड़े थोड़े अंतर वाले हैं सभी जिनका तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति में थोड़ी थोड़ी अंतर है, इनकी व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सका। बोर मॉडल कहता है कि एक रेखा निकली है उसका एक तरंग दैर्ध्य है, ऐसा कहता है वो अलग अलग क्यों बटा अलग अलग ये नहीं बता पाया। अंत में यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। हम जानते हैं कि अणु बनाने के लिए परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, उसने ले लिया तो दोनों के बीच में आयनिक बंध बन गया, लेकिन दो क्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्लोरीन बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, इस टाइप के बंध के बारे में बोर जो है ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। बंध क्यों बनता है, परमाणु से अणु क्यों बनते हैं, इनको ये नहीं बता पाया। दूसरे शब्दों में उपरोक्त सारी सीमाओं को ध्यान रखते हुए एक ऐसी सिद्धांत की आवश्यकता है जो जटिल परमाणुओं की संरचना के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कर सके, ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ी। तो अब है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर, क्वांटम थ्योरी, ये आधुनिक थ्योरी मानी जाती है और ये लगभग लगभग परमाणु के सारे विशेषताओं की, उनके व्यवहार की वो करीब करीब व्याख्या कर पाता है क्वांटम थ्योरी। तो इसमें हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में है तो कक्षक के अंदर उपकक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि पहले कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में आठ इलेक्ट्रॉन है, तो आठ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, कोई थोड़े अंदर है कोई थोड़े बाहर है एक ही कक्षक में,
क्योंकि उनके अंदर उपकक्षक होते हैं। जैसे मान लो आपका एक घर है, इस घर में नीचे का मंजिल है, इसके ऊपर का मंजिल है, इसके ऊपर का मंजिल है, तो नीचे मंजिल में रहने वाले की ऊर्जा सबसे कम रहेगी, बीच वाले में रहने वाले की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले मंजिल में रहने वालों की ऊर्जा और ज्यादा रहेगी। तो आप ये कह सकते हो कि इस घर में तीन लोग रहते हैं, लेकिन तीनों लोग एक ही घर में रहने के बावजूद नीचे के, बीच के, ऊपर के मंजिल में रहते हैं, तो वो एक ही घर में रहते हुए भी थोड़ी अलग अलग ऊर्जा वाले हो गए। दूसरे घर वाला अलग ऊर्जा का रहेगा, तीसरे घर वाला अलग ऊर्जा का रहेगा, लेकिन उनमें भी मंजिलों के हिसाब से ऊर्जाएं SPDF, ऐसे चार उपकक्षक होते हैं, चार मंजिलें होती हैं समझ लो। तो चारों मंजिल में जो S मंजिल में सबसे नीचे रहता है वो सबसे कम रहता है उसमें ऊर्जा, फिर P वाले में यानी थोड़ा एक ऊपर वाले में ज्यादा, D उसके ऊपर, F उसके ऊपर, ऐसे अलग अलग मंजिलों में रह रहे हैं एक ही घर के, तो उनकी ऊर्जाओं में अंतर आएगा। तो हम जो कक्षक पढ़े, कक्षक एक घर है, इसके अंदर हम उपकक्षक पढ़ेंगे। उपकक्षक एक ही घर के अलग अलग मंजिलें हैं जिसको अभी तक हम बोर मॉडल में नहीं पढ़ पाए, ठीक है। उसी कारण से जो अलग 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 जो व्यवहार मिल रहा है जिसको बोर मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो हम उस चीज को इसमें हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं क्या है। बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन दो महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा वे निम्नलिखित हैं। पहला, द्रव्य का द्वैत व्यवहार और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। तो ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमको समझना है। तो द्रव्य का द्वैत व्यवहार, ये तो आप पहले भी पिछले तीन चार वीडियोस में इसके बारे में पढ़े कि द्वैत व्यवहार का मतलब यह है कि कोई कण अगर गति कर रहा है तो वो कण जैसा भी है और उसके साथ तरंग भी, तरंग दैर्ध्य भी उसके साथ तरंग भी सम्मिलित है, इस चीज को द्वैत व्यवहार कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो द्रव्य का द्वैत व्यवहार, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जो द्वैत व्यवहार पढ़ा था ना, विकिरण का पढ़ा था। विकिरण को पहले तरंग माने थे, बाद में उसके अंदर कण होते ही ये माना गया, लेकिन जो द्रव्य है उनको पहले कण माना गया था, बाद में माना गया कि अगर वो गति करता है तो उसके साथ एक तरंग सम्मिलित रहेगा। मतलब जिस तरह से तरंग के साथ कण सम्मिलित है, जैसे ये विकिरण है आपका जो प्रकाश है, इसमें जो तरंग है वो तो ही है, और कण कौन से है, फोटॉन। तो जब तरंग के साथ कण हो सकता है तो गतिमान कण के साथ तरंग भी होगा, इस चीज को अब डी ब्रॉगली ने अंदाज लगाया। मतलब यह है कि मान लो शोएब अख्तर बॉलिंग करते हैं, सबसे अभी तक तेज बॉलिंग शोएब अख्तर ने किया था 161 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उनका जो बॉल जा रहा है उस बॉल के साथ भी एक तरंग सम्मिलित रहेगा, किसी भी स्पीड से फेंकोगे तो भी सम्मिलित रहेगा। तो कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, वो गति कर रहा है तो उसके साथ एक तरंग सम्मिलित रहेगा, ऐसा है। अर्थात द्रव्य में कण तथा तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह फोटॉन संवेग एवं तरंग दैर्ध्य होते हैं, है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। ब्रॉगली ने इस तर्क के आधार पर किसी पदार्थ के कण के लिए तरंग दैर्ध्य लेमडा और संवेग पी के बीच निम्नलिखित संबंध बताया, क्योंकि जो गतिमान कण है उसमें कितनी तरंग दैर्ध्य की तरंग सम्मिलित है, ये H बटा mv, ठीक है। तो यहां पर m जो है उस कण का द्रव्यमान है, ठीक है, और v उसका वेग है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। तो अगर आपको संवेग दे दिया है तो उसमें आप p लिख सकते हैं, ये देखिए संवेग है। डी ब्रॉगली के इस विचार की पुष्टि प्रयोगों द्वारा तब हुई जब यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के पुंज का विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन रे, पुंज मतलब इलेक्ट्रॉन की किरण जा रही है, तो भाई वो तो कण है इलेक्ट्रॉन, लेकिन विवर्तन क्या होता है पता है, डिफ्रेक्शन। तरंग जो है जैसे ऐसे तरंग जा रही है तो किसी कोने से गई तो ऐसे थोड़ी मुड़ जाती है, तरंग की विशेषता है कि कोने में थोड़ी मुड़ जाती है, ठीक है, उसे विवर्तन कहते हैं। तो यह तरंग की प्रकृति है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का बीम जा रहा है, उसकी किरण जा रही है, वो भी किनारे की तरफ मुड़ रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो कण है, नहीं मुड़ना चाहिए, विवर्तन तरंग की प्रकृति है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पुंज मुड़ता है, विवर्तन होता है, और जो कि तरंगों का लक्षण है। इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई, जो इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार साधारण सूक्ष्मदर्शी की रचना प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म, देखिए आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप तो देखे होंगे जिसमें हम ऐसे उपयोग करते हैं, तो जो प्रकाश है साधारण प्रकाश है उसी का उपयोग हो रहा है उसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का प्रकाश डाला जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं उसमें जिससे वो बड़ा करके दिखाता है। तो ये साधारण प्रकाश है जिसको हमने प्रयोग किया, उसकी तरंग प्रकृति का प्रयोग किया, वैसे इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करते हैं उसमें भी तरंग होता है ये मान के हम उसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1.5 करोड़ 2 करोड़ गुना बड़ा करके दिखाता है, लेकिन उसमें किसी भी जीवित ऊतक का टिश्यू का अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसमें मृत सेल का या उसकी ऊतक का अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध कार्यों में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इससे किसी अति सूक्ष्म वस्तु को 150 लाख गुना यानी 1.5 करोड़ गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है, ये डी ब्रॉगली, यहां पर इनके बारे में थोड़ा सा बताया है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लुइस डी ब्रॉगली 1892-1987, काफी लंबा समय जिए हैं, 95 साल ये जिए हैं। ठीक है, जबकि वैज्ञानिक इतने लंबे समय तक कम ही जीते हैं, दिन भर लैब में दिमाग खपा खपा के जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति स्मार्ट भी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली ने 1910 के शुरू में स्नातक स्तर पर इतिहास पढ़ा। स्नातक मतलब ये जो बीए बीएससी होता है ना, उसको स्नातक कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेडियो प्रसारण के लिए उनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, क्योंकि पहले जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, रेडियो होता था, रेडियो में बोल बोल के बताते थे कि भाई यहां युद्ध चल रहा है, वहां जर्मनी, यहां जापान, ऐसा। उसके बाद विज्ञान के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। 1924 में उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, ठीक है, की उपाधि प्राप्त की, जो पीएचडी के समतुल्य होता है। सन 1932 से अपनी अवकाश प्राप्ति से सन 1962 तक वे पेरिस विश्वविद्यालय में आचार्य रहे, पढ़ाते रहे वो पेरिस विश्वविद्यालय, पेरिस यानी फ्रांस में। 1929 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। बताइए कि अगर आप काम करना चाहते हो तो कहीं पर लिमिटेशन नहीं है। आप इस बात को अंदाज लगाइए कि जो व्यक्ति आर्ट्स में बीए किया हो वो व्यक्ति आगे चल के साइंस में, वो भी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाए, ये उनकी मेहनत का ही काम हो सकता है, कमाल हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आर्ट्स पढ़े हुए व्यक्ति को आप सोचिए कि वो कभी भौतिकी में नोबेल प्राइज पा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं इसको, एक पैराग्राफ को। ध्यान देने वाली बात यह है कि डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं, है ना, गतिशील वस्तु है तो। साधारण वस्तुओं का अधिक द्रव्यमान होने के कारण से उनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है, उनके तरंग जैसे गुणों का पता लगाना मुश्किल हो पाता है। जैसे हमने कहा बॉल फेंका उन्होंने, शोएब अख्तर ने, तो उसमें जो संलग्न तरंग दैर्ध्य है वो काफी कम होता है, इसलिए उसको नापना दिक्कत होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन या और कोई जो दूसरे कण हैं जो परमाणु के या उससे छोटे आकार के होते हैं, अपरमाणु यानी उससे छोटे, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य ज्यादा होते हैं और उनको तरंग को पहचानना आसान होता है। प्रश्नों में दिए गए परिणाम इसे गुणात्मक रूप से सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस दिए हैं और इसमें ये प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि कितना तरंग दैर्ध्य निकलता है, तो फटाफट इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो h बाई mv में आप रखिए। ठीक है, h का मान है 6.626 × 10⁻¹⁴, 0.1 ग्राम है, 10 मीटर है। कैलकुलेट करके लेमडा निकल गया, देखिए ये देखिए बहुत साधारण तरीके से लेमडा निकल गया कि इतना मीटर तरंग दैर्ध्य इससे सम्मिलित रहेगा, बहुत साधारण सा है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है,
तो इसका तरंग दैर्ध्य बताइए। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू एम वी हाफ एम वी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का मान दिया है ना, m का मान भी आपको पता है, तो इसकी गति आप निकाल सकते हो, है ना। गति निकालने के लिए आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, ऊर्जा दिया हुआ है आपको, ऊर्जा दिया है ना, ये देखो e दिया हुआ है, तो e गुणित दो कर दीजिए, ये वाला इधर आ गया, तो और m को आप नीचे कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ये अंडर रूट कर दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो अंडर रूट करेंगे अपन, है ना। ये देख अंडर रूट कर दिया है ना, हाफ मतलब अंडर रूट, तो इनमें सब में मान रख दिया आपने, तो तरंग दैर्ध्य निकल गया। ये देखिए तरंग दैर्ध्य निकल गया, सॉरी आवृत्ति निकल गई, आवृत्ति न्यू मतलब आवृत्ति हुआ, ये आवृत्ति निकली है, ठीक है। अब आवृत्ति निकल गई तो तरंग दैर्ध्य निकाल लीजिए, आवृत्ति नहीं सॉरी ये गति निकली, गति गति, ये एम वी स्क्वायर मतलब गति है ना, आवृत्ति नहीं है, है ना, एम वी स्क्वायर गति निकली है, वी वी मतलब गति, न्यू नहीं है, वी है, गति निकल गई। तो अब आप इस फार्मूले में रख दीजिए उसको और कैलकुलेट करिए, तो आपको ये तरंग दैर्ध्य भी मिल गया। अब ये कैलकुलेशन में बार बार नहीं बताऊंगा, अगर आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप मेरे पहले चैप्टर के वीडियोस पढ़ लीजिए, उन वीडियोस में इनका कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया है, ठीक है, कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। वैसे यहां पर भी एक दिया है कि तरंग दैर्ध्य दे दिया है और द्रव्यमान की गणना करो, तो तरंग दैर्ध्य इतना दिया है मतलब इतना हुआ मीटर में, ठीक है। अब फोटॉन का वेग तो मालूम है प्रकाश के वेग के बराबर है, तो वेग आपको दिया हुआ है, एम आपको निकालना है, मान को रख दीजिए, आ गया द्रव्यमान, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें मैं नहीं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।